यहाँ से कभी नेहरू जी गुजरे थे जी। 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर को, तो यहाँ से उनका आगमन हुआ था। तो ये वो व्यस्त चौराहा है, यहाँ पर इतनी बदबू है कि 2 मिनट रुकना हमारा मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री का सपना कहाँ तक साकार हुआ? नगर परिषद चाक घाट में स्वच्छ भारत अभियान, कश्मीर से 370 धारा हट चुकी है लेकिन चाक घाट में लगता है लागू हो गई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। पीपल का वृक्ष है यहाँ, समस्त हिंदू पीपल के वृक्ष के नीचे आके पेशाब करता है, क्या ये धर्म के सम्मत है? स्वच्छ भारत, ये धूल उड़ती शहर, धूल उड़ता ये नगर, दमा के रोगी के ये नगर के लोग। यहाँ के राजनीतिक हालात पर एक शेर याद आता है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नगर परिषद नगरी निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतिम छोर चाक घाट नगर परिषद के अंतर्गत है। यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के चर्चा हम जनता के बीच जाने वाले हैं और यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए यहाँ की जनता को प्रतिदिन जद्दोजहद करना पड़ता है और पिछले जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार का उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हम चाक घाट की सबसे व्यस्ततम जगह चाक घाट चौराहे पर। आप हमारे पीछे यहाँ का एक व्यापक जनसमुदाय देख सकते हैं जो यहाँ की समस्याओं के बारे में सीधी राय आपके सामने रखने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आप सभी जनता जनार्दन का अपने द खबरदार न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का। यहाँ किसकी सरकार है, पहला सवाल तो हम यही जानना चाहते हैं। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहूंगा कि चंद आंसू क्या करेंगे बयां दिल का अफसाना, चंद आंसू क्या करेंगे बयां दिल का अफसाना, जितना दुश्वार है समझना उतना समझाना। तो यहाँ की समस्याएं एक हों तो बताई जाएं, यहाँ पल पल डगर डगर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले वार्ड वार्ड कई समस्याएं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कश्मीर से 370 धारा हट चुकी है लेकिन चाक घाट में लगता है लागू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क टूटी हुई है, रास्तों में जाम लग रहे हैं, जगह जगह अव्यवस्था है। जिसका जहां मनाए गाड़ी खड़ी कर ले, जिसका जहां मनाए जो भी अपना दुकान आगे बढ़ा ले, ठेला लगा ले, कोई व्यवस्था नहीं। बीच चौराहे में जाम लगते हैं, पानी की समस्या है। पिछले जिस ठेकेदार ने यहां पर जल योजना के लिए लाइन फैलाने के लिए सड़कें खोदी गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में और पाइप बिछी, लेकिन उसके बाद सड़कों का निर्माण उस ढंग से नहीं हो पाया जिससे आवागमन में काफी असुविधा होती है। यहाँ पर आए दिन चौराहे पर, ये आपका दस्तम चौराहा है, ये पुराना बस स्टैंड चौराहा है, ये पुराना नेशनल हाईवे है जी। यहाँ से कभी नेहरू जी गुजरे थे जी। 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर को, तो यहाँ से उनका आगमन हुआ था। तो ये वो व्यस्त चौराहा है और यहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता है। यहाँ पर न यातायात पुलिस की व्यवस्था है, न तो थाने की व्यवस्था यहाँ पर है। कई तरह की समस्याएं हैं और हमें खुशी है कि आप लोग यहाँ की समस्याओं को देखने सुनने और आगे तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं, इसलिए आप खबरदार न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये नगर की सबसे व्यस्ततम जगह है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत मोदी जी ने पिछले 5 साल पहले की थी, तो यहाँ पर स्वच्छता अभियान की हकीकत जब हम चारों तरफ देखते हैं तो पूरी तरफ कचरा बिखरा हुआ है। एक चीज की जानकारी हम चाहेंगे चूंकि हम यहाँ पर नए हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा यहाँ पर क्या है? सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा यहाँ पर बॉर्डर पर है और से कितनी दूर? यहाँ से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है। और अगर यहाँ पर किसी को आवश्यकता पड़ जाए लघु शंका करने की, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एक यहाँ पर ये धर्मशाला रोड में बना हुआ है, वहाँ जाने में इतनी बदबू, इतनी गंदगी है कि मतलब वो लोग वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। किस वार्ड क्रमांक के अंतर्गत ये जगह आती है? वार्ड क्रमांक 6। पार्षद? पार्षद इसके हैं हमारे, मैं हूँ। आप इस व्यस्ततम जगह पे पार्षद हैं, एक जिम्मेदार निर्वहन कर रहे हैं कार्य, लेकिन यहाँ पर आखिर क्या कारण है कि जो तो सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बना अभी तक? अभी आए थे माननीय कलेक्टर महोदय साहब, उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण के अनुकूल कर लिए थे पुराना नगर पालिका कार्यालय, उसको छुड़वा के बनवाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। कितने वर्षों से आप पार्षद हैं यहाँ पे?
1995 से ये आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हम ये नहीं मान सकते कि कलेक्टर महोदय ने आकर निरीक्षण किया, अगर नहीं निरीक्षण करते तो सर्वनी ये व्यवस्था थोड़ा किए हैं, आप इसको देख लीजिए। आ जाइए, आ जाइए जी जी, आपके सामने रोड बना था जी, जो पाइप लाइन ये गया जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप सुविधा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पानी पानी की व्यवस्था क्या है ये इस बारे में थोड़ा सा आप दिखाई, इधर थोड़ा सा दिखाया जाए, पानी की व्यवस्था यहाँ पर क्या है, साफ सफाई के लिए, इस चीज की मैं जानकारी चाहता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं किया है, नगर पालिका अध्यक्ष से बार बार लिख के लिया लिख दिए हैं, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा, आप माने जाएंगे या नगर परिषद अध्यक्ष माने जाएंगे? अध्यक्ष माने जाएंगे, हमने लिखित में दिया उनको, अवगत कराया, पार्षद मीटिंग में भी अवगत कराया उनको कई बार, बल्कि ये दुकान कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए उसका भी हमने कहा, प्रस्ताव रखा, सब कुछ किया, कमाई नहीं किया। ये किसके कार्यकाल में बनाया गया था? ये अभी कार्यकाल, बीजेपी कार्यकाल में। एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, धर्मशास्त्र में पीपल के वृक्ष को देवतुल्य माना जाता है, ये आप सामने उठा के कैमरा देख लीजिए, पीपल का वृक्ष है, यहाँ समस्त हिंदू पीपल के वृक्ष के नीचे आके पेशाब करता है, क्या यह धर्म के सम्मत है? अगर है तो यहाँ चालू रहे, अगर नहीं है तो तत्काल इसे हटाया जाए, ये पीपल का देव वृक्ष है। कब तक कलेक्टर से बात हुई है? कलेक्टर ने समय उसका तोड़वा करके बनवाने की। आखिर 1995 से हैं आप यहाँ पर पार्षद हैं, इसी वार्ड के पार्षद हैं, तो आपने अभी तक कलेक्टर या फिर दो बार हुए हैं यहाँ छह के वार्ड के पार्षद? दो बार हुए हैं, 10 साल। एक बार का वार्ड नंबर 5 हुई। अच्छा, यहाँ पर एक बार हुए, 5 साल से पिछले हैं, तो कितने दो बार यहाँ से हुए, कितने बार आपने जो है इस समस्या को उठाया? चलो यहाँ से निकल, कई बार यहाँ पर इतनी बदबू है कि 2 मिनट रुकना हमारा मुश्किल हो रहा है। बदबू यहाँ बदबू रहा कि यहाँ जनता किस तरीके से गुजरती होगी? कलेक्टर साहब क्यों देखे आके निरीक्षण की ऐसी हालत में रहते हैं? और यहाँ पर धर्मशाला भी बने हुए हैं, पीपल का वृक्ष भी है जैसा बताया, हैंडपंप बोर करवाए हैं, नल कलेक्शन यहाँ दिया जाए, मगर नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। आप क्या प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से? हमारा पूरा प्रयास है, नहीं तो बनेगा कब? देखिए, प्रयास करना, राजनीतिक टिप्पणी करना ये एक अलग बात होती है, बनेगा कब इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। माननीय महोदय जी, पार्षद का कोई निश्चित बजट तो होता नहीं जी, तो पार्षद उसको कैसे करवा सकता है? देखिए, लेकिन ये अपना, मैं आपको एक कहानी बताऊं, मेरे एक मित्र यहाँ वार्ड में पार्षद हुए थे, कृष्ण कुमार केसरवानी उनका नाम था, माननीय स्वर्गीय राम लखन जी गुप्त यहाँ के अध्यक्ष हुए थे, यही पुरानी बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी, हमारे मित्र ने ये बोला कि हमारे नगर पंचायत चाक घाट में एक बाथरूम करने की जगह चौराहे में नहीं है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने उसको डपट के बोला कि क्या जरूरत है तुमको चाक घाट में पेशाब करने की चौराहे में, चौराहे से कितनी दूर है आपका घर, जाके घर में बाथरूम करके आओ, चौराहे में बाथरूम करने की क्या जरूरत है? तो मैं सबसे ये कहूंगा कि बाथरूम चौराहे में करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने घर में बाथरूम करके आइए, चौराहे में बाथरूम करने की क्या आवश्यकता है? ये तो पूर्णतः गैर जिम्मेदारी भरा बयान अध्यक्ष महोदय का या जिसका भी है, इस पे किसी भी मध्य प्रदेश शासन ने पार्षदों के लिए कोई बजट नहीं निर्धारित किया है, जिससे वह अपने बजट के माध्यम से, मान लीजिए ये नेताजी है, इनकी इच्छा है कि मैं यहाँ बाथरूम एक बनवा दूं, मगर इनका पर्सनल कोई बजट नहीं है, किस बजट से कैसे करवा देंगे, इनकी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बनवा दूं, कैसे हो जाएगा? जनाना और मर्दाना दोनों करवाए, जब बजट, मगर हुआ नहीं कुछ। इसके जो बना हुआ है हम इसकी बात करते हैं, इसके लिए किसको लाभ, मतलब किसका हम माना जाए कि किसकी वजह से जनता को ये लाभ मिला? अध्यक्ष महोदय का, बीजेपी की तरफ से। हाँ, बीजेपी की हो, मतलब सफलता उनकी ही है और असफलता भी उन्हीं की है, ये मानते हैं। यहाँ तो उन्हीं का पावर है ना, पार्षद के पास कोई व्यक्तिगत पावर तो होता नहीं। फिर भी आपको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, और हम प्रयास किया, लिखित में दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जब नेक्स्ट टाइम पर हम यहाँ पर आएंगे तो आपके अध्यक्ष महोदय और कलेक्टर महोदय जिनके भी सहयोग से हो, लेकिन यहाँ पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना चाहिए। तोड़वाए कलेक्टर ने स्वयं कहा कि मैं बनवाऊंगा जी, महिला और पुरुष दोनों का जी। ये सच है कि निश्चित तौर पे चार घाट चौराहे में एक सुलभ शौचालय होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से घरों के बाहर से लोग यहाँ आते हैं, व्यापारिक नगर है, यहाँ पे हमें सामान खरीदने आते हैं, उस दरमियान किसी को लघु शंका लग गई, लेटरिन लग गई, वो बेचारे किस जगह जाके रहे,
किसी के घर में तो जाके बाथरूम कर नहीं सकते, जिसलिए यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है कि यहाँ एक शौचालय होना चाहिए। मगर अब इसकी आस लगाए, हम सब बहुत दिन से आशा लगाए, 30 साल हो गया आशा लगाए, 50 साल उम्र हो गई है, 20 साल से देख रहा हूँ, आगे देखते भगवान जाने कब होगा कब हो जाए। भाजपा में कभी नहीं होगा जी। भाजपा किसको चुना जाए, किसको चुनेंगे आप फिर? किसको चुनेंगे? जिसको चुना वही चोर निकला यार। नहीं तो आप किसको चुनेंगे? थक गए तो क्या वोट डालना बंद कर देंगे? नहीं तो क्या वोट डालना बंद कर देंगे? नहीं वोट डालेंगे। किसको चुनेंगे? जो पैसा देगा, जो पैसा देगा उसको। मतलब तो फिर आप कैसे जो तो कह सकते हैं जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार है? जब आप वोट पैसे लेकर के करेंगे तो कहाँ से आप काम करवाएंगे? कैसे कह सकते हैं? यहाँ के राजनीतिक हालात पर एक शेर याद आता है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ पर ईमानदार वही है जो पद में नहीं है, पद में आना चाहता है, पद में आने के बाद वो मदान हो जाता है और फिर उससे उम्मीदें बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्योंकि देखें हमें, मैं आपकी बात अशोक जी नहीं कहूंगा, ईमानदार होने का मन है, हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा, ईमानदार ईमानदार होता है, उसको शहरों से नहीं सुलझाया जा सकता, उसको भावनाओं से नहीं बहलाया जा सकता, ईमानदार ईमानदार होता है। प्रधानमंत्री का सपना कहाँ तक साकार हुआ? नगर परिषद चाक घाट में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत हुआ, ये धूल उड़ती शहर, धूल उड़ता ये नगर, दमा के रोगी के ये नगर के लोग। आप बॉर्डर तक जाके देखो कितना नाली खोदी हुई है जी, साल भर हो गया जी, पानी भरा हुआ है जी। और यहाँ पर जो ये रोड देख रहे हैं काफी सक्रिय रोड है, तो इसका क्या कारण है? कब ये रोड बनी हुई थी और क्या सुधार होने चाहिए इस बारे में? अरे यहाँ कुछ सुधार ना हो।